क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का, किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव। बिहार के बाहुबली शहाबुद्दीन के लिए आज का दिन बेहद अहम होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट आज तय करेगा कि शहाबुद्दीन खुली हवा में सांस ले पाएगा या फिर वो सलाखों के पीछे जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आज शहाबुद्दीन को दो अलग अलग मामलों में जमानत पर जो मिली है उस पर सुनवाई होनी है। शहाबुद्दीन के फिर खत्म होंगे अच्छे दिन, सलाखों के पीछे जाएगा बिहार का बाहुबली। शहाबुद्दीन के जेल से छूटते ही सिवान से लेकर दिल्ली तक हलचल मच गई, सियासी उठापटक शुरू हुई। लेकिन अब शहाबुद्दीन की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। शहाबुद्दीन की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। सुनवाई के बाद ही तय होगा कि ये बाहुबली खुली हवा में सांस ले पाएगा या नहीं। दो अलग अलग मामलों में पटना हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद शहाबुद्दीन 10 सितंबर को भागलपुर जेल से रिहा हुआ था। पटना हाई कोर्ट ने विचाराधीन राजीव रोशन हत्याकांड में शहाबुद्दीन को जमानत दी। इस फैसले को राजीव रोशन के पिता चंदा बाबू उर्फ चंद्रकेश्वर प्रसाद और बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट शहाबुद्दीन को नोटिस जारी करते हुए पूछ भी चुका है कि क्यों ना उसकी जमानत रद्द कर दी जाए। चंदा बाबू के दो बेटों सतीश और गिरीश की हत्या के मामले में शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा हो चुकी है। इस मामले में भी उसे जमानत मिली हुई है। चंदा बाबू की पत्नी कलावती ने पटना हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं बिहार सरकार की तरफ से भी शहाबुद्दीन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। ग्यारह साल बाद जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद से ही शहाबुद्दीन सुर्खियों में। उसकी रिहाई के साथ साथ उसके सियासी बयानों ने भी राजनीतिक गलियारे में हलचल मचाई है। खासकर नीतीश कुमार पर दिया गया उसका बयान। नीतीश कुमार, लालू यादव में दोनों में से कौन बेहतर पॉलिटिशियन है? नहीं, हमारा तो पूरा स्टेट जानता है और हमको लगता है जो मुझे देश में जानते हैं हम किसके साथ हैं, किसके साथ रहेंगे और किसके साथ रहे हैं, उसमें तो कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। नीतीश कुमार के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। आरजेडी के इस पूर्व सांसद पर हत्या, अपहरण, फिरौती, धमकाने के 63 मामले दर्ज है। सिवान के चर्चित तेजाब कांड के जुर्म में उम्र कैद के साथ साथ शहाबुद्दीन को कई मामलों में 2 से 10 साल तक की सजा मिली है। जमानत पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में शहाबुद्दीन का पक्ष वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी रखे। जेठमलानी आरजेडी से राज्यसभा सांसद भी हैं। देखना यह है कि जेठमलानी शहाबुद्दीन को राहत दिला पाते हैं या नहीं। पहले अपराध और फिर राजनीति। जी हाँ, बात कर रहे हैं बाहुबली शहाबुद्दीन की, जो बिहार में दहशत का दूसरा नाम बन गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आता है इस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि शहाबुद्दीन का आपराधिक इतिहास किस तरह का रहा है। मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो बिहार में दहशत का दूसरा नाम है, वो कुख्यात अपराधी है जिसने एक जमाने में बिहार पुलिस की नाक में दम कर रखा था। बिहार का वो बाहुबली जो संसद तक पहुंच गया। शहाबुद्दीन की अपराध कुंडली कम दिलचस्प नहीं। आखिर कैसे स्टैंप बेचने वाले शख्स का बेटा अपराध की दुनिया में अपना सिक्का जमाता चला गया। आइए हम बांटते हैं शहाबुद्दीन की कुंडली। नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन, उम्र 49 साल, पेशा राजनीति, आरजेडी के पूर्व सांसद, आरोप हत्या, अपहरण, फिरौती, धमकाने के 63 मामले। 80 के दशक में सिवान के डीएवी कॉलेज में पहुंचने के साथ ही शहाबुद्दीन ने
दादागिरी और रंगदारी से अपराध की दुनिया में कदम रखा और यहीं से उसने लिखनी शुरू की अपराध की पटकथाएं। शहाबुद्दीन का जन्म 10 मई 1967 को सीवान के प्रतापपुर में हुआ। पिता शेख हसीबुल्लाह स्टाम्प बेचा करते थे। शहाबुद्दीन कॉलेज जाते ही बन गया अपराधी। शहाबुद्दीन के खिलाफ पहला मुकदमा 1986 में दर्ज हुआ था। शहाबुद्दीन की बढ़ती आपराधिक गतिविधियों ने सीवान के हुसैनगंज थाने में उसकी हिस्ट्री शीट खोलकर रख दी। इसके बाद तो शहाबुद्दीन को अपराध का ऐसा चस्का लगा कि देखते ही देखते उसके अपराधों की लिस्ट उसकी उम्र से बड़ी हो गई। आज की तारीख में शहाबुद्दीन पर हत्या अपहरण समेत 63 मामले दर्ज हैं। सीवान के चर्चित तेजाब कांड के जुर्म में उम्र कैद के साथ साथ शहाबुद्दीन को कई मामलों में 2 से 10 साल तक की सजा मिल चुकी है। और चंद्रमोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, जिस तरह से आज सुनवाई होने वाली है, सभी की निगाहें होंगी इसी ओर कि आखिर क्या निर्णय आता है, क्योंकि सभी जो जमानत याचिका है उसे रद्द करने की मांग कर रखे हैं और यही मांग है कि एक बार फिर से सलाखों के पीछे जाए। बिल्कुल, देखिए, शहाबुद्दीन जब से जेल से बाहर आए हैं उसके बाद से कहीं ना कहीं सीवान में लोगों का साफ तौर पर पीड़ित परिवारों का यह मानना है कि उनकी वजह से दहशत का माहौल है। और जब से जेल से बाहर आए उसके बाद से ही लगातार बिहार सरकार पर भी सवाल उठ रहे थे कि शहाबुद्दीन का ट्रायल क्यों नहीं शुरू हुआ, इनको दोबारा क्यों नहीं जेल भेजा जाए। और जब राज्य सरकार पर उंगलियां उठी उसके बाद राज्य सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट गई है और वहीं जो चंदा बाबू हैं ये भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं। जो इनके वकील प्रशांत भूषण है उन्होंने इनके लिए मुकदमा दायर किया था, उसमें अपील दायर की थी और अब आज उसको लेकर सुनवाई है, जिसको लेकर सबकी निगाहें सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन चंद्रमोहन, जिस तरह से पहले सुनवाई थी उस समय ये दलील दी गई कि उन्हें और भी ज्यादा जो डेटा है उसे इकट्ठा करना है, उसे पेश करने के लिए इसलिए और भी ज्यादा वक्त मांगा गया था। अब सुनवाई आज होने वाली है, अगर आज के दिन को देखते हैं तो कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? बिल्कुल, देखिए, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि एक तरफ राज्य सरकार ने जिस तरह से पिछले सोमवार को इनके वकीलों ने दलील दी थी और वहीं प्रशांत भूषण ने जिस तरह से चंदा बाबू की तरफ से दलील दिया था सुप्रीम कोर्ट में, वह साफ तौर पर यह जाहिर कर रहा है कि शहाबुद्दीन की मुश्किलें बढ़ सकती है। क्योंकि राज्य सरकार के तरफ से जो दलील दी गई थी वकीलों की तरफ से, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि शहाबुद्दीन अगर जेल से बाहर रहते हैं या फिर सीवान में रहते हैं तो हो सकता है कि वहां के लोगों में खौफ और पुराने दिन एक बार फिर उनकी वजह से दहशत में पड़ जाए सीवान, इसलिए इनको फिर से दोबारा जेल भेजना चाहिए। और आज सुनवाई जो है काफी महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि दोनों अपील दायर हुआ है उसका ज्वाइंट सुनवाई है और दोनों तरफ से वकील वहां पर खड़े रहेंगे, तो हो सकता है कि शहाबुद्दीन की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ जाएं क्योंकि जब से यह जेल से छूट के आए हैं कहीं ना कहीं सीवान में एक बार फिर से दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि आज का जो सुनवाई है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी चंद्रमोहन, आप नजर बनाए रखें, आपसे लगातार अपडेट लेते रहिए।